नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। झारखंड गोड्डा वसंतराय के अग्निपीड़ित दुकानदारों से मिलने के बाद और डीएम एफटी फंड के द्वारा अभी तक अस्पताल नहीं बन पाया है, इसको लेकर क्या कुछ बोले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। गोड्डा से दिवाकर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सर, तकरीबन 10 दुकानें जल करके राख हो जाती हैं और दमकल के आने में देरी होती है, इसको क्या बोला जाए? देखिए, पूरे राज्य में जो ये फायर ब्रिगेड है ये बड़ी समस्या बनी हुई है और 2009 से मेरे सांसद बनने के बाद मैं कम से कम 50 ऐसी चिट्ठी होगी जिनको चाहिए वो मैं दे दूंगा कि मैंने जो भी सरकारें रही, चाहे हमारी सरकार रही चाहे आज की वर्तमान सरकार है, उनको मैंने कहा कि एक जिला मुख्यालय में एक बड़ा हेडक्वार्टर होना चाहिए फायर ब्रिगेड का, और इसके बाद जो है प्रखंड मुख्यालय में कम से कम एक एक दो दो जो है गाड़ी रहनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक मैंने सजेशन दिया था कि जो हसडिया है वो हमारे संथालपना का मोर और लेस एक ऐसा जगह है जहाँ से कहीं भी जाया जा सकता है, समान दूरी है लगभग, वहाँ आप एक रीजनल फायर ब्रिगेड का सेंटर बनाएं। केंद्र सरकार फायर ब्रिगेड पर चिंतित रहती है, पैसा देने को तैयार रहती है, लेकिन राज्य सरकार जो है इसके बारे में कुछ सोचती ही नहीं। दूसरा, जहाँ तक बसंत राय का सवाल है, यहाँ का बसंत राय में जहाँ हम लोग हैं ये ऐतिहासिक तालाब है, इसके अतिक्रमण को ख़त्म करने के लिए बार बार कोर्ट में भी केस हुआ है, सरकार एक्टिव भी रहती है। ये एक बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। बसंत राय तालाब में एनक्रोचमेंट ख़त्म हो, बसंत राय तालाब में चारों तरफ व्यवस्थाएं अच्छी बनी, यदि अच्छी व्यवस्था होती, चौड़े चौड़े रोड होते तो शायद फायर ब्रिगेड जो है और आसानी से आ सकता था। ये लॉन्ग टर्म के लिए सबों के लिए जो है एक बेनिफिशियल है और यहाँ के लोगों के लिए, तो एक तो प्रशासन को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, जो दुकानें जली हैं, 10 दुकानें जली हैं, कल माननीय विधायक अमित मंडल जी यहाँ आए थे, जैसे ही इनको पता चला इन्होंने तत्काल जो है घर कैसे चलेगा इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की, अपने तरफ से कुछ पैसे भी दिए। आज मैं भी आया, मैंने अपने तरफ से भी कुछ पैसे दिए हैं। अभी गोड्डा पहुंचेंगे तो प्रशासन से बात भी करेंगे। मैंने जो रांची में डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं अमिताभ कौशल साहब, उनसे मैंने बात की है, तो जो भी कानून सम्मत व्यवस्था होगी इस जलने के बाद वो पैसा उनको दिलाकर रोजगार कैसे चालू करें ये हमारी पहली प्राथमिकता है और उसके आधार पर हम आगे काम करें। तीसरी बार का सांसद आप हैं और एक कार्यकाल डबल इंजन की सरकार का रहा है, तो जिन चीज़ों को लेकर के आप कोस रहे हैं उस सरकार में पूरा करवा देते? मैं झारखंड और खासकर अपने गोड्डा लोकसभा के विकास के लिए कभी कोई राजनीति नहीं करता। मैं अपनी सरकार और उसकी सरकार, इसके बारे में मैंने जब अपना तकरीर स्टार्ट किया आपके कैमरे के सामने, तो मैंने 2009 से सारी सरकारों का जिक्र किया। और आपको पता है कि गोड्डा से लेके महागामा और पीरपैंती रेल लाइन के लिए मैं अपनी सरकार के खिलाफ ही हाईकोर्ट में PIL में चला गया। मैं गोड्डा के विकास के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि हमारी सरकार है और उसकी सरकार है। जो भी सरकार इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय करेगी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी ने यही संस्कार दिया है कि सच हमेशा